हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में कई दिनों के बाद आपका मेरी तरफ से वापस स्वागत है। बीच में कुछ दिन आ नहीं पाया था उसके लिए सॉरी, और कुछ थोड़े काम में लगे हुए थे इस वजह से नहीं आ पाए थे। वीडियो मेरे वाला नहीं हो पाया था, मतलब राजस्थान जीके की बुक लिख रहे थे हिंदी मीडियम के अंदर, उसमें अब वो किसी चीज को फैक्ट देखना, चेक करना, इधर उधर की किताबें देखनी हो तो उस काम के अंदर ही लगे रहते, तो थोड़ा टाइम मिला नहीं। मुझे लगा थोड़े दिन बाद में चले जाएंगे अपने, और पहले वाले पढ़ा रखे हैं खूब सारे, वो पढ़ लेंगे। मैंने ये सोचा कि आप लोग वो पढ़ लोगे, और घर पे बैठे बैठे और तो करते क्या होंगे। हालांकि आजकल तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट की आवाजाही वापस जयपुर की तरफ होने लग गई है। मैं शाम को जब भी कोचिंग की तरफ जाता हूँ तो 5-7 स्टूडेंट दिख ही जाते हैं वहां पे। उनके चेहरे पर एक ही सवाल होता है, सर कब खुलेगा? मैं वापस उनसे जवाब पूछता हूँ, तुम बता दो कब खुलेगा। ऐसा कोई इंटेंशन दिखाई दे रहा हो तो पहले लग रहा था कि जुलाई के अंदर खुल जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं जारी कर दी और उन्होंने कहा नहीं भाई, जुलाई जुलाई में नहीं खुलेंगे, अगस्त के अंदर ही होगा। तो अब लगता है शायद अगस्त के अंदर हो जाएगा। बीच में अफवाहों का बाजार और गर्म था कि 15 अगस्त को दवाई आ जाएगी, तो लगा कि अपने सब दवाई ले लेंगे, दवाई लेके मुड़ ताजे हो जाएंगे, उसके बाद में खोल लेंगे। जब भी खुले, परिस्थितियां जिस प्रकार के उसी प्रकार अपने को तो करना पड़े, पढ़ना पड़े। चरे वृत्ति वाला है, कुछ ना कुछ करने वाली बात है। मतलब स्टूडेंट जब यहाँ मिलते हैं तो उनसे पूछता हूँ भाई क्या चल रहा है, तो ठीक है थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है रूम के ऊपर, कर लेनी चाहिए पढ़ाई। दिलीप सर एक बहुत अच्छी सी बात हमेशा कहा करते हैं क्लास के अंदर की सबसे अच्छी पढ़ाई वो है जो शांति काल में की जाती है, और अभी शायद शांति काल चल रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है ये शांति काल जल्दी खत्म होगा, क्योंकि आरएस मेंस वाला रिजल्ट शायद आज नाइट में आ जाए, कल आ जाए, मुझे यही लगा, 1-2 दिन के अंदर आते लगा। सम वेरी सिक्स सेंस, भगवान जाने सुबह से गट फीलिंग क्यों कर रही है कि आज नाइट में आ जाएगा शायद आरएस मेंस वाला रिजल्ट। और रिजल्ट आने के बाद में नई वैकेंसी आरपीसी जल्दी ही निकाल देती है। मैंने पिछले कई सालों का इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कीजिए, इनकी नई वैकेंसी मेंस के रिजल्ट के आसपास में आ गई, उसके आगे पीछे थोड़े दिनों के अंदर आ जाती। और वैकेंसी नहीं भी आएगी ना, तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आसपास के खूब सारे लोगों के सिलेक्शन होते हैं, खूब सारे लोगों के सिलेक्शन होते हैं, तो वो अंदर भावनाएं खूब जागती है, वैसे खून दौड़ता है कि जब इसका हुआ है तो फिर मेरा क्यों नहीं होना चाहिए, मैं भी तो तैयारी कर लूँ। तो ऐसे खूब सारे लोग आएंगे अब नई तैयारी करने के लिए, तो अपने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो शांति काल का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती कि अभी आराम से पढ़ने को मिल रहा है तो वो जो भी है उसको अपने पढ़ा जाए, जो कुछ संसाधन अपने पास में, जैसे कुछ संसाधन अपने पास में पढ़ा जाए। जब खुलेगा तब और अच्छे से पढ़ लेंगे, जो भी करना होगा उसके बाद अच्छे से अपने कर लेंगे। उम्मीद यही की जाए कि अगस्त के अंदर खुल जाए सब, और खुल जाए तो उसके बाद हो जाए। 10-12th वाले पेपर जब सरकार ने दोबारा करवाए थे तो मुझे लगा कि अब यार सरकार स्थिति शायद सामान्य करना चाह रही है, और बच्चों के एग्जाम ले लिए और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए भी ले लिए। कर पे रही, अल्लाह का शुक्र ही रहा कि कोई कैजुअलिटी वगैरह ऐसा अपने को नहीं देखने को मिला, कि कहीं पर कोई बच्चों का कोई पॉजिटिव वाला मिल गया हो केस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर सरकार ने कहा हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम और करवा लेंगे, और तो लगा कि हाँ यार यूनिवर्सिटी वाले और हो जाएंगे तो माहौल थोड़ा सामान्य होगा। जब तक घरों के अंदर बैठे हुए हैं तब तक डर रहे हैं, थोड़ा बाहर निकलेंगे, लोग आएंगे तो चीजें थोड़ी सामान्य होगी, हम सीखेंगे कैसे रहना कैसे नहीं रहना है। धीरे धीरे कारवां बाहर निकल जाएगा। भगवान जाने अपने छात्र नेता भी ऐसे हो गए, स्टूडेंट भी ऐसे हो गए, एग्जाम देना नहीं चाहते हैं और कहा कि नहीं कैंसिल किए जाए। मुझे लगा यार यूनिवर्सिटी वालों को ये तो सोचनी चाहिए कि 10वीं 12वीं वाले टावरों ने एग्जाम दिए हैं और हम है जो कह रहे हैं कि नहीं वहां जाते ही हमारे कोरोना चिपक जाएगा और हम एग्जाम नहीं देंगे। और उससे बड़ी बात, मुझे स्टूडेंट का तो हमेशा लगता है, मैं खुद अभी तक स्टूडेंट हूँ, अभी तक ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट कभी नहीं चाहता कि एग्जाम हो। आप मैं हर वैकेंसी के अंदर देखता हूँ कि पहले स्टूडेंट इसके लिए लड़ता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, और जब डेट आ जाती है ना किसी भी एग्जाम की तो स्टूडेंट इसके लिए लड़ता है कि इतनी जल्दी क्यों आ गई है, इसमें और टाइम दिया जाए। पिछले कई वैकेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सब स्टूडेंट ने इस बात के लिए हड़तालें तक कर दी है कि ये एग्जाम आगे क्यों नहीं जाता। इसका मतलब स्टूडेंट एग्जाम देने से तो हमेशा डरता ही है। वो मेरे एक फ्रेंड है, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं कि जो मजा रास्ते में है ना वो मंजिल में नहीं है। ये चलता रहे यार पढ़ाई वाला सा दौर, एग्जाम एग्जाम नहीं होना चाहिए, बाकी अपने आप सही रहे। तो स्टूडेंट का समझ में आता है, स्टूडेंट लीडर का समझ में आता है भाई रे इनको वोट लेने आने वाले टाइम इसलिए पेपर कैंसिल करवाना। स्टूडेंट का समझ में आता है कि पेपर देने में जोर आता है इसलिए पेपर नहीं देने। सरकार इतनी आलसी कैसे हो सकती है कि कहा कि ठीक है हम एग्जाम नहीं ले। दूसरे दिन यूजीसी गाइडलाइन आ गई, उन्होंने कहा फाइनल वालों को देने पड़ेंगे।
अब फाइनल वाले कह रहे हैं भाई हमने कौन सी मोरनी के भाटे मारे हैं जो हम ही केवल देखो, मिस्टर सेंगलियर वाले क्यों नहीं थे। पर है जी गुत्थम गुत्था है, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो शायद अच्छे के लिए हो रहा होगा, अपना काम जितनी जो पढ़ाई कर सके उतनी कर ली जाए। सब इंस्पेक्टर वालों के शायद आज से या इंटरव्यू शुरू हो गए या कल से शायद इंटरव्यू जो भी है उनकी शुरू हो जाए, तो उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं कि वो सब थानेदार लगे उनके इंटरव्यू थोड़े से अच्छे हो। मैं जब इन दिनों के अंदर पढ़ रहा था वो उसका, मैं मेरे पीएचडी वाले चीजों के लिए भी थोड़ा पढ़ रहा था, मैं जो बुक लिख रहा था उसके लिए भी थोड़ा पढ़ रहा था, कई चीजें सामने आई थोड़ी उस पढ़ने के दौरान, कोई नई चीजें निकल के सामने आई या थोड़ा ऐसी चीजें सामने आई जिनपे अक्सर नजर नहीं पड़ती है या उतना कभी गंभीरता से नहीं देखते हैं, तो खूब सारी आई। मैं शायद आप क्लास के अंदर आओगे जिस बार मेरे पास कहानियों के भंडार है, मैं उस बार खूब सारी और कहानियां मैंने उनको पढ़ पढ़ा के तैयार किए। आज दिन तक मैं जितनी कहानियां सुनाता था वो मेरी कहीं से नहीं पढ़ी हुई थी, वो मेरे घरों के में सुनी हुई थी, आप जैसे कोई भाई लोगों की सुनी हुई थी। इस बार मैंने पढ़ा है, उस पढ़ने के दौरान भी खूब सारी कहानियां, इस बार मैं आपको यूं माकूल भंडार सुनाऊंगा उनका। तो पर ये बात मैं इसलिए बता रहा था, वो जब मैं पढ़ रहा था तो दो तीन अभिलेख, अक्सर इन अभिलेखों के बारे में तो हम पढ़ते हैं, इनकी बात भी करते हैं हम, पर उनसे थोड़ी एक अलग सी जानकारी है कि हम जब राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो सामान्यतः कोई पूछे कि राजस्थान में कौन कौन से वंशों ने अधिकार किया, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर गुहिल थे, चौहान थे, राठौड़ थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और परमार भी रहे आबू साइड के अंदर तो उनका भी थोड़ा राज्य रहा था, झाला आ गए थे, हाड़ा आ गए थे, जो हाड़ा तो जो थे वो चौहानों की ब्रांच आ गई थी, थोड़ा लेट में जाके अपने भरतपुर धौलपुर में जाट राजवंश आ गए थे, अंग्रेजों के आने के बाद अपने टोंक में मुस्लिम रियासत भी आ गई थी, मुख्य मुख्य अपनी बड़ी बड़ी सी यही सामने आती। हम नहीं सुनते कभी कि राजस्थान में कोई मोखरी वंश रहा होगा या राजस्थान में वरिक वंश रहा होगा या राजस्थान में गोर वंश रहा होगा, ओलिकार वंश रहा होगा। खूब पुराने पुराने वंश रहे, और एक बड़ा अजीब सा ही अपने राजस्थान का प्राचीन काल का और पूर्व मध्य काल का इतिहास जो अंधकार के अंदर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान हमें मध्य काल के अंदर आके दिखाई देने लगता है, उसकी हिस्ट्री हमें पता चलती है। प्राचीन काल टटोला जाए तो राजस्थान में खूब सारी हिस्ट्री मिल सकती है, पूर्व मध्यकाल टटोला जाए, प्री मिडाइवल जिसको हम कहते हैं वो टटोला जाए तो उसमें राजस्थान की खूब सारी हिस्ट्री मिल सकती है। उन्हीं में से दो तीन नई बातें सामने, आप इन अभिलेख आपने पढ़े होंगे आप जानते होंगे, पर आप इन पे ध्यान देना थोड़ा सा कि अपने राजस्थान में कहीं पर मोखरी वंश का अधिकार था या वरिक वंश का अधिकार था। और मुझे याद है तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था आरएस वालों ने कि राजस्थान में वरिक वंश का कब्जा कहां पर रहा था और या गोर या ओलिकार वंश का अधिकार था। पढ़ रहा था तो ये तीन अभिलेख सामने आए, ये अभिलेख वैसे पढ़ते हैं पर इस तरीके जानकारी से सामने आए तो मुझे लगा कि आपको भी बता देना चाहिए। तो आज हम वापस तीन अभिलेख देखेंगे, उस अभिलेखों की श्रृंखला में, इंस्क्रिप्शन की श्रृंखला में तीन अभिलेख देखेंगे। एक अभिलेख है बड़वा, एक अभिलेख है विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख। यूप का मतलब तो यज्ञ के बाद में जो अभिलेख वगैरह स्थापित करवाए जाते हैं तो यूप हो जाते। और एक भ्रमर माता का लेख, भ्रमर माता का मंदिर है उस मंदिर से जो अभिलेख मिला भ्रमर माता का लेख है। तो तीन पढ़ेंगे, बड़वा, विजयगढ़ और भ्रमर माता का। चलिए आगे चलते, अब थोड़ा सा याद रखना इन वंशों की बात करेंगे हम कुल मिला के। तीन अभिलेख है, तीन वंश लिखे हैं ऊपर। पहला लिखा हुआ आपने बड़वा, बड़वा लिखा हुआ है, बड़वा स्तंभ लेख लिखा हुआ है। स्तंभ मतलब पिलर, पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसलिए बड़वा स्तंभ लेख। बड़वा कहां पे पड़ता है तो बड़वा बारह, अपना जो बारह जिला है, बारह जिले के अंदर ये बड़वा नाम की एक जगह पड़ती है। कब का अभिलेख है तो 238 ईस्वी का अभिलेख। हालांकि इसके अंदर तो वो जो पुराने टाइम में कृत सम्मुत वगैरह चलते थे, कृत मालव सम्मुत चलता था वो लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको जब अपने ईस्वी से करते हैं तो 238 ईस्वी का अभिलेख निकलता है। क्या है भाई यहाँ पे, वही यहाँ पे यज्ञ करवाया गया था। चार यूप स्तंभ मिले यहां से, याद रखना इस बात को, चार यूप स्तंभ प्राप्त होते हैं हमें बड़वा से, कि चार यज्ञ यज्ञ करवाएंगे, यज्ञ करवाने के बाद में चार स्तंभ यहां पर लगाए होंगे तो चार यूप स्तंभ मिले, पर उनमें से लेख तीन पर ही है। मुझे याद है एक बार आरपीसी का एक सवाल है कि बड़वा से कितने यूप स्तंभ लेख प्राप्त हुए, लेख पूछे तब तो तीन, वो पूछे यूप स्तंभ कितने मिले तो यूप स्तंभ चार। तीन तो एक जगह ही थे, एक जो मिला वो बाद में गांव के अंदर मिला था और किसी ने बाद में उसके ऊपर सती प्रतिमा और बना दी थी, कोई सती माता का कुछ और लिख दिया था उसके ऊपर,
तो तीन लेख मिलते हैं अपने को, युप स्तंभ, स्तंभ चार है और उनपे लेख तीन लिखे हैं। ये थोड़ी सी बात याद रखने वाली सी है, मुझे थोड़ी अलग सी लगी बात की यार, यहाँ पे युप स्तंभ चार है, फोटो थी बाकायदा, और यहाँ पे लेख तीन ही लिखे हुए। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो मोखरी, मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। हालांकि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि जो कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, और उस हर्षवर्धन की एक बहन थी राजेश्वरी को, राजेश्वरी की शादी जो है वो कन्नौज के, वो राजेश्वरी की जो शादी है वो मोखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ में की गई थी, तो वहां पर जरूर मोखरी वंश का अपने नाम पढ़ते हैं। उसके बाद अपने ही राजस्थान में मोखरी वंश का, हालांकि एकमात्र ये अभिलेख मिला है, लेकिन ये अभिलेख भी मोखरी वंश का मिलता है अपने, मोखरी वंश की जानकारी देते हैं ये अभिलेख भी। क्या जानकारी देते हैं? तो पता चलता है कि कोई मोखरी वंश का महासेनापति बल नाम का बंदा हुआ, उसके चार बेटे थे और उन चार बेटों ने यहाँ पे यज्ञ करवाए थे। हालांकि चार बेटों में से बेटों के भी तीन के नाम है, एक बाबड़ा इधर उधर चला गया होगा तो उसका नाम नहीं आ पाया, कि बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह तीन के नाम, और इन्होंने त्रिरात्रि यज्ञ करवाया था। तीन रात्रि तक चलने वाला यज्ञ रहा होगा कोई, इसलिए त्रिरात्रि यज्ञ कहते होंगे, तो उस त्रिरात्रि यज्ञ का संपन्न करवाया। अपने याद रखने वाली बात है कि बड़वा स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ, तो वह 12 से, कब का है, तो 238 ईस्वी का। याद रखने वाला यह कि यूप स्तंभ मतलब यज्ञ के बाद स्तंभ तो चार लगाए गए, लेकिन उनमें लेख कितने पे लिखे हुए, केवल तीन पे लेख लिखे हुए। मोखरी वंश की जानकारी देते हैं, ये महासेनापति बल थे, उनके चार बेटे थे, चार में से इसमें नाम तीन के ही है, बलवर्धन का, सोमदेव का और बल सिंह का, जिन्होंने यहाँ पे त्रिरात्रि यज्ञ संपन्न करवाया था, तो उनकी यहाँ पे इसके अंदर जानकारी मिल जाती है। अब ये महासेनापति बल कौन रहा होगा, तो महासेनापति बल के लिए कहा जाता है कि ये विजय दामन नाम करके और एक शक सत्रप हुआ था, तो शक राजा आ गए थे अपने, तो उसका कोई सामंत वगैरह रहा होगा, उसका कोई मंडलिक वगैरह रहा होगा, और तो इसने ये अभिलेख यहाँ पर लगवाया होगा। ऐसे देखो एक और नांदसा, आगे किसी वीडियो के अंदर मैं और पढ़ाऊंगा, ऐसे एक नांदसा यूप स्तंभ लेख और मिलते हैं, तो शायद ये भी इसी के विजय दामन के आसपास के उसी के शासन काल के अभिलेख है नांदसा। तो उस टाइम में इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो वैष्णव धर्म है वो वापस उन्नति कर रहा है अपनी, जो बौद्ध धर्म का चढ़ाव था वो बौद्ध धर्म वापस कहीं ना कहीं नीचे उतर रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर ये थोड़े यज्ञ वगैरह करवाए जाने के, उनके अभिलेख वगैरह मिलने के अपने को संकेत यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये बड़वा स्तंभ लेके याद रखना, ये थोड़ी सी बात अलग सी थी, मुझे नई जानकारी मिली इसलिए मैंने आपको बताया, नहीं तो क्या मतलब थोड़ा यू कन्फ्यूज करने वाली जानकारी थी तो ऐसे ही कर दी मैंने आपकी, तो ये याद रख लेना आपने। सख सत्रप थे विजय दामन, उनका कोई सामंत रहा होगा महासेनापति बल, जिनके बेटों ने यज्ञ वगैरह करवाया था। चलिए अगले पे चलते हैं अपने, अगला कौन सा लिखा, अगला लिखा आपने विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख, वापस इसकी बात करते हैं। विजयगढ़ मतलब क्या, ये बयाना है, अपना भरतपुर वाला बयाना है। खूब सारे नाम है इसके अलग अलग, कहीं नाम मिलता है कि ये बाणासुर नामक राक्षस की वजह से इसका नाम बयाना पड़ गया, स्कंद पुराण कहता है इसका नाम बधानक था, इस क्षेत्र का नाम बधानक था, पाणिनि कहते हैं कि इस बधानक नाम का जो क्षेत्र रहा होगा उसकी राजधानी श्रीप्रस्थ थी, कहीं पर उसका नाम श्रीपथ भी मिलता है, संतपुर भी नाम मिलता है, फिर मुस्लिम शासक आ गए उसके बाद बयाना भी नाम हुआ इसका, सुल्तानकोट भी नाम मिलता है, खूब सारे नाम मिलते हैं, और शायद अपने प्राचीन काल और मध्य काल का एक बेहतरीन सेंटर मिला है अपने को यहां से। तो विजयगढ़ का मतलब बयाना, बयाना को आप बाणासुर को, इसे बधानक कहिए, श्रीप्रस्थ कहिए, श्रीपंथ कहिए, संतपुर कहिए, सुल्तानकोट कहिए, इसके खूब सारे अपने को अलग अलग नाम मिलते हैं। तो अब वो ये जो विजयगढ़ बयाना है, यहां से एक यूप स्तंभ, वही मैंने बता दिया, यज्ञ यज्ञ के बाद में पिलर लगवाया होगा तो यूप स्तंभ लेख मिला है, 371-72 ईस्वी का अभिलेख मिला है। क्या मिला है? ये मिला है विष्णुवर्धन नाम का कोई बंदा है और उसने यहाँ पे पुंडरिक यज्ञ करवाया, पुंडरिक यज्ञ करवाया था, पुंडरिक यज्ञ करवाने के बाद में यहाँ पर एक भीम लाट, लाट का मतलब वही पिलर या स्तंभ का, तो आप जैसे अपने ईश्वर लाट बनी हुई है जयपुर में, तो ये भीम लाट बनी हुई, तो भीम लाट पे यहाँ पे यूप स्तंभ लगवाया, कहते हैं 8 मंजिल का, 8 मंजिल का ये लगा। तो ये विष्णुवर्धन कौन था भाई, समझ में आ गए, विष्णुवर्धन नाम का बंदा है, उसने यहाँ पर एक ये भीम लाट बनवाई है और वहां पर एक अभिलेख लगा जिसमें उसके पुंडरिक यज्ञ की अपने को जानकारी मिलती है और उसके बाद में स्तंभ लगवाने की जानकारी मिलती है। अच्छा तो ये कौन रहा होगा, विष्णुवर्धन कौन रहा होगा, तो इसके अंदर एक लाइन है कि गुप्तों का सामंत था, फ्यूडल था, जो गुप्त राजा थे उनका फ्यूडल था। जब इस टाइम से गुप्त राजा को मिलान करते हैं तो गुप्त राजा निकलता है समुद्रगुप्त, कि वो गुप्त राजा यार समुद्रगुप्त रहा होगा, समुद्रगुप्त के टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा। कई बातें फिर सच भी लगती है, सच ये लगती है कि समुद्रगुप्त जब अपनी प्रयाग प्रशस्ति लिखवाता है, जो उसकी प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस प्रशस्ति है, नाम सुना होगा, उस प्रयाग प्रशस्ति में वो लिखवाता है बाकर कि मैंने बयाना के युद्धों को,
बयाना के युद्धों को रहे, और योद्धे जो थे वो अपने पूरे राजस्थान के अंदर उनका अधिकार रहा था। हालांकि बड़े तौर पर उनका अधिकार गंगानगर हनुमानगढ़ में रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में भी उनके सिक्के वगैरह मिलते हैं अपने को बयाना के आसपास में। तो वो इन युद्धों को हराने की बात करते हैं। तो शायद उसने युद्धों को हराने के बाद अपना एक बंदा यहाँ पे छोड़ दिया था जो विष्णुवर्धन था। ये विष्णुवर्धन जो था ये वृक वंश का, तो जो वो आरएस वाला क्वेश्चन था कि बयाना में कौन से वंश का अधिकार रहा था, तो वृक वंश का रहा था। ये बाद में इस क्षेत्र के अंदर इसने कब्जा किया, ये यहाँ का राजा वगैरह रहा होगा, समुद्रगुप्त को टैक्स देता होगा तो वृक वंश का कब्जा आ गया, और इसने यहाँ पर ये भीम लाट लगवाई होगी, समुद्रगुप्त के सामंत के रूप में लगवाई होगी, इसलिए हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने यहाँ पर ये विजय स्तंभ बनवाया। एक तरीके से समुद्रगुप्त का विक्ट्री टावर, तो हम कहते हैं कि राजस्थान का पहला विक्ट्री टावर यदि किसी ने लगवाया था तो समुद्रगुप्त ने लगवाया था। तो इसका मतलब गुप्तों के टाइम में राजस्थान का सबसे मुख्य कोई सेंटर था तो वो अपने बयाना बन गया था। ये जानकारी दो तीन चीजों से मिलती है कि उन्होंने ये भीमलाट वगैरह यहाँ पे बनवाई थी उनके विष्णुवर्धन नाम के किसी सामंत ने। और समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तब पता चलता है कि 1946 में अपने भरतपुर दरबार थे ब्रजेंद्र सिंह जी, भरतपुर के राजा साहब थे ब्रजेंद्र सिंह जी, शिकार खेलने के लिए एक दिन गए और बयाना के पास में एक जगह पड़ती है नंगला छेल। उस नगला छेल नाम की जगह पे उन्हें सिक्कों का एक भंडार मिला, एक कॉइन्स होर्ड मिला, वहां पे सिक्कों का एक पूरा भंडार मिला। मतलब गुप्तों के 1821 सिक्के मिले। कोई पूछे कि राजस्थान में सबसे अधिक गुप्तों के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, तो बयाना के नगला छेल नाम की जगह से प्राप्त होते हैं। 1821 सिक्के वहां से गुप्तों को प्राप्त होते। वह सिक्के बड़े जानकारी के, अलग अलग राजाओं के सिक्के वो तो है, कहते हैं कि वो सबसे अधिक सिक्के जो मिले अपने को, ये तो बातें थोड़ा देख लेना, सबसे अधिक सिक्के वो है, वो तो है चंद्रगुप्त सेकंड के। बाकी राजाओं के भी मिले कि चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के, हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, समुद्रगुप्त के यहाँ पर 173 सिक्के मिले। पर ये सिक्के कुमारगुप्त का जो शासन है उस पर एक नया प्रकाश डाल, कुमारगुप्त के बारे में ये जब सिक्के हम देखते हैं तो कुमारगुप्त के बारे में हमें कई जानकारियां और मिल जाती है। तो कुल मिला के गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के कहां से मिले, तो बयाना से मिले, और उनमें सबसे अधिक सिक्के किसके हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड के हैं। समुद्रगुप्त की बात कर रहे थे तो उसके अपने को यहाँ से 173 सिक्के प्राप्त हुए, 1821 सिक्कों का एक ढेर नगला छेल नाम की जगह से अपने को प्राप्त हुआ था। वैसे भी हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के यदि किन्हीं राजाओं ने चलाए थे तो गुप्त राजाओं ने चलाए थे। वैसे भी गुप्त काल अपने जब एंशियंट पीरियड के अंदर जाके देखते हैं तो भारत का गोल्डन एरा है, वो अपने आप में सब दिशाओं के अंदर प्रगति की जो धाराएं गुप्त काल में बही थी वो भूतों ना भविष्य थी वाली बात है अपने आप में। तो सिक्के मिलना कोई बड़ी बात नहीं की, पर वो सिक्के खूब लेट में अपने 1946 के आसपास में, यदि भरतपुर महाराजा वहां पर शिकार खेलने नहीं जाए तो शायद वो सिक्के वगैरह अपने को नहीं मिले। तो बयाना के बारे में एक ये बात भी, मतलब इस विजयगढ़ के बारे में एक बात, विजयगढ़ वाला नाम था तो मुझे हो गया कि ऐसा कहते हैं कि कालांतर में अपने यहां पे करौली के अंदर एक राजवंश आ गया था, जादौन राजवंश आ गया था। जादौन राजवंश के जो पहले राजा हुए थे वो पहले राजा विजयपाल थे, क्योंकि उन विजयपाल के नाम से इसका नाम विजय मंदिर गढ़ पड़ गया होगा, इसका नाम विजयगढ़ पड़ गया होगा। ये भी हो सकता है अपने आप में कि पहले और कुछ नाम रहा और बाद में विजयपाल की वजह से विजयगढ़ पड़ गया। ये जो विजयपाल थे इन्होंने बाद में बयाना को अपने उस टाइम राजधानी बनाया था, धीरे धीरे राजधानी बाद में इनके बेटे तीमनगढ़ ले गए थे, उसके बाद में राजधानी करौली आई थी। तो करौली बहुत बाद में जादौनों की राजधानी बनी थी, पहले विजयपाल के टाइम इनकी राजधानी बयाना हुआ करती थी, तो इसको विजयगढ़ बोलने लगे। इन विजयपाल पे एक कवि हुए नल, और कवि नल ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है विजयपाल रासो, ये भी याद रखना आपने, विजयपाल रासो इस बहाने याद रखें। और बयाना के बारे में जब बयाना की बात ही आ गई तो मैं और बता देता हूं दो चार। यहाँ बयाना में एक मंदिर मिलता है, उषा मंदिर मिलता है। ऐसा कहते हैं कि कोई प्रतिहार राजा हुए थे लक्ष्मण सेन और उनकी रानी हुई थे चित्रलेखा, और उन चित्रलेखा ने 10वीं शताब्दी के अंदर, मतलब लगभग देख लो विक्रमी संवत 1012 का है, विक्रमी संवत 1012 के अंदर यहां पर एक उषा मंदिर बनवाया था। हालांकि बाद में जब मुस्लिम शासन आया तो इसको बदल के मस्जिद में बदल दिया गया था, उषा मस्जिद बदल दी थी, पर वापस जब जाटों का राज्य आया था तो उन्होंने वापस यहाँ पर मंदिर बना दिया था यहाँ पे, और चित्रलेखा ने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण करवाया था। उषा के लिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के परिवार में अनिरुद्ध हुए थे, अनिरुद्ध की जो पत्नी थे वो उषा थे, तो वो अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी भी है। तो वो जो उषा हुए थे उनके नाम पर ये उषा मंदिर बनाया, कहते हैं भारत में एकमात्र ये उषा मंदिर है यहाँ पर, चित्रलेखा नाम की किसी रानी ने बनवाया था यहाँ पर, लक्ष्मण सेन नाम की किसी राजा की रानी थी। चित्रलेखा नाम आया तो मैं और बता दूं, वैसे ही याद रखना, आप कई बार स्टूडेंट होता है सर घर बैठे क्या करें, एक उपन्यास है बहुत अच्छा, भगवती चरण वर्मा राइटर है, भगवती चरण वर्मा नाम याद रख लेना, उनका उपन्यास है चित्रलेखा, प्लीज पढ़े। यदि चित्रलेखा नहीं पढ़ा है ना स्टूडेंट लाइफ में किसी ने तो नहीं पढ़ रहे आप, बेकार है उसके बाद में,
दिलीप सर जब पढ़ाया करते थे हमेशा इस उपन्यास का कहते थे, और हम बहुत जल्दी इसको उस टाइम लाके पढ़ गए थे। आप भी पढ़ना मेरे कहने पे, चित्रलेखा तो पढ़ ही लेना, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास ऑनलाइन मिल जाता है आजकल तो मंगवा लेना, पढ़ लेना है। और ये चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया था, बाद में मुस्लिम राजाओं ने उषा मस्जिद में बदल दिया था इसको, और बाद में जाटों ने वापस उषा मंदिर में तब्दील किया था। मस्जिद वाली बात है, और बताऊँ ऐसा कहा जाता है कि बयाना में इतनी मस्जिदें, इतनी कब्रें, इतनी मजारें बनी हुई है कि 2.5 कब्र और बन जाती, केवल 2.5 कब्र तो ये मक्का मदीना के बराबर हो जाती। कि मक्का मदीना से थोड़ी सी कम कब्रें यदि कहीं पर बनी हुई है तो वो यहाँ पे, मक्का से थोड़ी सी कम कब्रें बनी हुई है तो वो बयाना के अंदर बनी हुई, केवल 2.5 कब्रें कम पड़ गई थी। तो ऐसी क्या चीजें हैं, तो मुस्लिम राजाओं के टाइम में यहाँ पे अकबर के टाइम की छतरी बनी थी, अकबर की छतरी बोलते हो, अकबर के टाइम की छतरी, जहांगीर के टाइम का एक दरवाजा बना, इससे पता चल रहा है कि भाई बयाना कितना इंपोर्टेंट रहा होगा। इब्राहिम लोदी के टाइम की एक मीनार बनी हुई, एक और मीनार है यहां पे दाऊद खां की मीनार भी बनी हुई, दाऊद खां की मीनार। अकबर के टाइम की एक सराय बनी हुई यहां पे सादुल्ला, सादुल्ला सराय बनी हुई। तो मुस्लिम राजाओं के टाइम में इसका मतलब बयाना का खूब अच्छा महत्व रहा होगा। और अपने तो एक तो राजस्थान जीके में सीधा सीधा युद्ध ही पड़ता है, बयाना का युद्ध जिसके अंदर सांगा ने बाबर को हरा दिया था, सांगा जीत जाता है जिसके अंदर सांगा बाबर को हराता है 16 फरवरी 1527 का, खानवा से जस्ट पहले जो अपना युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के अंदर पहले सांगा बाबर को हराता है, फिर बाबर सांगा को हरा देता है। बयाना वाले युद्ध में बाबर की तरफ से ये किला उस टाइम दिया हुआ था मेहंदी ख्वाजा को, और बाबर ने एक बंदे को और भेजा था सेना देके यहाँ पे, सुल्तान मिर्जा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सुल्तान मिर्जा कहते यहाँ पे सेना वगैरह देके भेजा था, तो पर सांगा ने दोनों को सलटाया था उस टाइम, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा दोनों को यहाँ पर हरा दिया था। तो बयाना वाला युद्ध भी याद रह जाए, ये अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाजा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, सदुल्ला सराय, ये बात भी याद रह जाए। बयाना और लो याद आ गया मुझे, बयाना नील की खेती के लिए बहुत फेमस रहा, और वो तो एक यात्री आया अपने फ्रांसिस्को पेलसेट, वो इसका बहुत अच्छा सा वर्णन करता है नील की खेती का। यहाँ पे तो कोई पूछे कि राजस्थान में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था, तो बयाना था। उत्तर और दक्षिण भारत को जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था उसे बयाना होके जाया करता था, तो नील की खेती के लिए फेमस रहा। फ्रांसिस्को पेलसेट इसका वर्णन करता है नील की खेती का यहाँ पे, तो ये बयाना के लिए खूब सारी बात अभिलेख की चली थी, बात निकलती तो दूर तक जाती है, तो ये और भी बातें मुझे याद आई तो मैंने आपको बातें बता दी दूसरी बारी। चलो अब इसके बाद आगे वाला पढ़ लेते हैं, एक अभिलेख और रह गया वो और पढ़ लेते। एक अभिलेख और मिला अपने को, भरमर माता का लेख मिला 490 ईस्वी, कहां से मिला तो छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर अपने एक जगह पड़ती है छोटी सादड़ी, वहां से एक अभिलेख मिलता है, भरमर माता का लेख मिलता है। मंदिर पुराना मंदिर था, किसी ने अभिलेख लगाया था, पहले तो तोड़ताड़ दिया था अभिलेख, लेकिन बाद में गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के मूर्धन्य साहित्यकार इतिहासकार जो हुए अपने, उन्होंने इतिहास से संबंधित खूब सारी पुस्तकें लिखी, वो अपनी किताब के अंदर किसी के अंदर लिखते हैं कि मुझे समाचार मिला कि एक मंदिर से एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख की लाइनें एक लाइन सीधी लिखी जा रही है, फिर अगली उल्टी लिखी जा रही है, फिर एक सीधी है, फिर एक उल्टी लाइन लिखी जा रही है, और आपको आगे पढ़ना चाहिए। मैं गया, मैंने जब उस अभिलेख को जाके पढ़ा तो हालांकि पढ़ने में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मंदिर टूटा तो अभिलेख गिर गया था और आस पड़ोस के लोगों ने उसको मसाला कूटने के काम में ले लिया था, लेकिन बाद में जब किसी ने दोबारा जीर्णोद्धार करवाया तो वापस वो अभिलेख वहां पर लगवाया, लेकिन तब तक उसका खूब सारे हिस्से में तो मसाले कूट लिए थे लोगों ने। तो उन्होंने कहा जितना मेरे से जो पढ़ा गया उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे गौर वंश के राजाओं का कब्जा रहा था, एक नया अज्ञात कुलशील नया वंश मिला गौर वंश, और वहां के कोई राजा हुए थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, पुण्यशो राज्यवर्धन ईशोगुप्त नाम के राजा हुए जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाने से पता चलता है कि उनकी शक्ति पूजा में विश्वास था, शाक्त धर्म में विश्वास रखते हुए, और मंदिर का निर्माण वगैरह करवाया। फिर यहाँ पे 2-3 जानकारी और मिलती है कि किसी की मृत्यु होने के बाद में ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, कि किसी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ब्राह्मणों को दान दिया था। हालांकि 2 दिन पहले तो गहलोत जी ने कहा कि भाई साहब अब किसी ने दान वान दिए ना, ऐसे मृत्यु भोज करवाए तो देख लेना, पंच सरपंच ग्राम सेवक पटवारी सारे के सारे अंदर जाओगे तो अब शायद अभिलेखों में ऐसी जानकारी नहीं मिल पाएगी, पर उस टाइम के अभिलेख। सामंत प्रथा का बहुत अच्छा सा उल्लेख मिलता है, गौर वंश का तो है इसमें एक नाम और है, ओलिकार वंश का नाम और मिलता है, आदित्यवर्धन नाम के किसी एक राजा की जानकारी उससे और मिलती है। अब ये गौर वंश कौन सा था क्या था अल्लाह जाने,
पर अपने याद रखना कि भाई गौरवंश की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो भ्रमर माता का लेख देता है। हालांकि जो रायमल, जो कुंभा के बेटे थे रायमल और सांगा के जो पिताजी थे, उनका एकलिंग मंदिर के बाहर एक अभिलेख लगा हुआ है, और उस एकलिंग मंदिर के बाहर अगले किसी में मैं और चर्चा कर लूंगा उसकी, उसके अंदर वो जगह जगह लिखते हैं कि गौर योद्धा मेरे लिए काम आए, कि गौर जाति की योद्धाओं को मैंने इसकी रक्षा के लिए यहाँ पे नियुक्त किया था, फलाना युद्ध हुआ उसके अंदर वो गौर जाति का युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इसका मतलब मेवाड़ के आसपास में किसी टाइम में गौर जाति के लोग रहते होंगे, किसी टाइम में उनका यहाँ पे राज रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इतने शक्ति संपन्न नहीं रहे, गोहिलों के सामंत टाइप बन गए, या गोहिलों के सामान्य सेना के अंदर भी रहने लगे होंगे। इतिहासकार अभी तक सूझ नहीं पाए, बूझ नहीं पाए इसको एग्जैक्टली गौर वंश कौन सा था। हालांकि शुरू शुरू में गलती ये की कि गौर को गौड़ कर दिया गया, गौड़ राजपूत होते भी है, तो कहा ये गौर और गौड़ एक भी है, लेकिन बाद में जब किया गया तो कहा नहीं नहीं अलग है यार, गौड़ और इन गौर का आपस में कोई लेना देना नहीं मिल रहा है। और कईयों ने लगाया कि यार यशोगुप्त मिलता है और छोटी सादड़ी से मिलता है, प्रतापगढ़ से मध्य प्रदेश के पास है, उधर मंदसौर वाले जो अभिलेख मिलते हैं उनमें फिर यशोधर्मा नाम के राजा की जानकारी मिलती है। यशोधर्मा का वंश क्या था हम अभी तक नहीं जान पाए, क्या पता वो राव जो भी है इतिहास के गर्भ में हिस्ट्री जैसे जैसे आगे वो रिसर्च करेगी शायद इनके बारे में बता पाएगी। पर अपने इतनी याद रखने वाली बात है कि गौर वंश और ओलिकार वंश के योद्धाओं की जानकारी देता है जिन्होंने इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण वगैरह करवाया था। तो जो बड़वा वाला अभिलेख है वो मोखरी वंश की जानकारी दे रहा है, विजयगढ़ वाला यूप स्तंभ लेख है वो हरिक वंश की जानकारी दे रहा है, और ये भ्रमर माता वाला जो लेख है ये अपने को गौर वंश की जानकारी दे रहा है। पढ़ना और भी जो अभिलेख आपको लगता हो यार इनके बारे में हमारे समझ में नहीं आता या ये हमें पढ़ने चाहिए तो आप थोड़े बता देना, तो अगली बार मैं वीडियो के अंदर वो वाले अभिलेख थोड़े से और पढ़ा दूंगा, उनके बारे में थोड़ा देख के पढ़ के और अच्छे से मैं उनको समझा दूंगा। धन्यवाद।